तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं यह पत्थरचट्टा है। आयुर्वेद में पत्थरचट्टा के पत्ते को सेहत के लिए वरदान माना जाता है। इसके नियमित सेवन से व्यक्ति को पथरी से लेकर घाव भरने जैसी समस्या में राहत मिलती है। आइए आज हम आपको इसके नियमित सेवन से किन किन बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है इसके बारे में बताने वाले हैं। आयुर्वेद में पत्थरचट्टा के पत्ते का उपयोग कई तरह की औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरचट्टा को एयर प्लांट, कैथेड्रस बेल्स, लाइव प्लांट और मैजिक लीव जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि पत्थरचट्टा एक ऐसा है जो पत्थरों को खुद खा लेता है, यानी पत्थर या उसके आसपास पथरीली जमीन पर पत्थरचट्टा का पौधा उगता है। इसी को देखते हुए जब प्रयोग किया गया तो इसे पता चला कि हमारे शरीर के कैलुलस या कहीं पथरी बन गई है या कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है तो उसको पत्थरचट्टा तोड़ देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़कर पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाता है। पत्थरचट्टा का प्रयोग विशेष रूप से पथरी रोग के लिए किया जाता है। इसके अलावा पत्थरचट्टा को घाव पत्ता भी कहा जाता है। इसका स्वाद कसैला होता है। पत्थरचट्टा के पत्ते को पेस्ट बनाकर घाव में बांधने से घाव जल्दी भर जाता है। आगे डॉक्टर राजेश सिंह ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। चट्टा जैसा कि नाम बता रहे हैं, वैसे तो इसका बोटेनिकली हम कैलेंची पिनेटा कहते हैं, लेकिन ये पत्थरों को खुद यूज कर लेता है, खुद खा लेता है। इसको पत्थर पर ही ये उगता है या उसके आसपास जहाँ पथरीली ज़मीन होती है वहाँ नेचुरली उगता है। तो इसी को देखते हुए लोगों ने इसको जब प्रयोग किया कभी पहली बार, तो उनको पता चला कि जो हमारे शरीर के कैलकुलस हैं, जो शरीर में कहीं पथरी बन गई है या कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है तो उसको ये यूज कर लेता है, उसको तोड़ देता है और तोड़ करके छोटे छोटे भागों में करके फिर वो पेशाब के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो लोग इसीलिए इसको पत्थरचट्टा कहते हैं। विशेष रूप से ये पथरी के रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको घाव पत्ता भी कहते हैं। तो ये कसैला होता है, अगर आप खा के देखेंगे तो कसैला लगेगा। इसके पेस्ट को बना के हम घाव पर बांधते हैं तो घाव भर जाते हैं। ये इसका विशेष वर्क है। सर, इसका जो पौधा है वो अलग रहता है, जब फल होता है तो पहचान कैसे करते हैं? इसमें देखिए, पत्ता ऐसा होता है कि इसके जो मार्जिन है, मार्जिन पे जो नॉच होते हैं उसमें बड होती है और वो खुद ही बड वहाँ से गिर करके उग जाती है। तो ये इसीलिए इसको हम लोग जो है ना पर्ण बीज कहते हैं, क्योंकि पर्ण में ही बीज है, इसके पत्ते में ही बीज है, उससे नया पौधा उग जाता है। और पत्ते बहुत लेदरी होते हैं, मोटे होते हैं, और कैलेंची पिनेटा इसके जो पत्ते हैं वो कान के तरह के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम पिनेटा कहते हैं। और इसमें गुलाबी और हरे रंग के इसके पुष्प दिखाई देते हैं जो एक बड़े लंबे स्केप पे आते हैं, एक पुष्प दंड होता है उस पे आते हैं, तो ऊपर थोड़ा सुंदर दिखाई देते हैं। तो लोग इसको गार्डन में भी लगाते हैं।